नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बालाघाट पुलिस द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च में दिखा अलग ही नजारा। मुस्लिम समुदाय ने कोरोना योद्धाओं का फूलों से किया स्वागत। आपको बता दें कि बालाघाट नगर मुख्यालय के मुख्य मार्गों पर 2 मार्च को बालाघाट पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला व घरों में रहने की अपील की। आपको बता दें कि बालाघाट के मुस्लिम समुदाय ने और वार्ड के नागरिकों ने कोरोना योद्धाओं का फूलों से स्वागत किया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी एवं समस्त पुलिस बल द्वारा कोरोना कोविड-19 महामारी के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से लोगों को घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें आदि बातों की समझाइश देते हुए लॉकडाउन का पालन करने की अपील की गई। आज आप लोगों ने स्वागत क्यों किया पुलिस प्रशासन का? स्वागत इसलिए किए कि पुलिस प्रशासन जो है कोरोना-19 के कोविड के लिए जो सुरक्षा कर रहा है। हमारा जो बालाघाट जिला है ये 3 राज्यों से घिरा हुआ है और यहाँ पर कभी भी कोरोना आ सकता था, परंतु पुलिस प्रशासन की सराहनीय जो योगदान रहा तो उसके लिए हम लोग ने उनका स्वागत के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये कार्यक्रम भी सफल हुआ है और हम उनके स्वागत के लिए ये कार्यक्रम को किए हैं। आज उनके पुलिस प्रशासन जो है वो सराहनीय योगदान है उनका और जिला प्रशासन ने बहुत योगदान किया है, योगदान है हमारे बालाघाट जिले के लिए। आगे आप क्या करना चाहेंगे? आगे लॉकडाउन का टाइम अभी बढ़ा है, इस पर क्या आगे हम जनता से यही अपील करते हैं कि ये लॉकडाउन का पालन करें ताकि बालाघाट में कोरोना बीमारी न आने पर इसकी सुरक्षा के लिए हम बहुत ही कदम उठाने का और पुलिस जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा कदम उठाया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और उन्हीं की आज सराहना करते हुए उनका हमने मान सम्मान के लिए हमने फूलों के द्वारा उनका स्वागत किया सब समाज के द्वारा। प्रकार की मुहिम है जैसा कि सभी जानते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं और सभी लोगों को मालूम है कि किस प्रकार की महामारी से इस समय पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा राज्य जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे स्वास्थ्य के विभाग के लोग, हमारे प्रशासन के लोग, हमारे नगरपालिका के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, सभी आज यहाँ एकजुट होकर अपनी एकता को साबित करने के लिए, अपने जो एक सहयोग की भावना है, जिस सहयोग की भावना से हम आज तक कार्य कर रहे हैं, उसे और मजबूत करने के लिए आज सभी विभाग के लोग यहाँ उपस्थित हुए और इस माध्यम से जनता को भी एक संदेश है कि आप लोग भी जो भी शासन प्रशासन के निर्देश हैं, जो भी हमारे द्वारा आपसे अपील की जा रही है, उसको आप माने, लॉकडाउन का पालन करें। घर से अगर निकलते हैं अति आवश्यक कार्य से मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और लॉकडाउन के बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की छूट मिलती है तो उस छूट के दौरान भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपके परिवार और आपके मोहल्ले, आपके शहर, इस सब में भी ये वायरस का संक्रमण फैला सकते हैं। इसीलिए जनता से हम सभी की अपील है, सारे विभागों की अपील है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज घर से सुरक्षित जगह आपके लिए इस विश्व में और कोई नहीं। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।